जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं थिएटर का ऑनर, भारत विख्यात न्यू इंडिया थिएटर का ऑनर है। सबसे पहले हर साल तो आप पूरा धूम मचाते हैं, इस साल क्या कुछ धूम मचाने वाले हैं? धूम ही धूम है इस साल तो, और बड़ा धूम है। बात किया जाए, उस समय आपका इंटरव्यू लिए थे 3 रोज पहले, तो आप बता रहे थे माही मनीषा उतना कन्फर्म नहीं, लेकिन अभी हम टिकट काउंटर पर पढ़े हैं माही मनीषा लिखा गया है, तो क्या इस बार माही मनीषा सच में आ रही है? कन्फर्म है। कन्फर्म है, यानी माही मनीषा पूरा धूम मचाने वाली है अपना नया अंदाज में। माही मनीषा और भी कलाकार है बाहर का, वो भी पूरा धूम मचाने वाली है। धूम तो ऐसा मचेगा कि पूरा मेला देखेगा। बात किया जाए, अभी इधर कोई लाइटिंग नहीं लगा है, आज रात भर में लग जाएगा कि नहीं? पूरा रात को पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, लगभग पंडाल का तो पूरा काम चालू, पूरा कंप्लीट लगभग हो चुका है, ऊपर का लाइट वेट, अब खाली नीचे कुछ बिछाना होगा तो मैट बिछाएगा, कारपेट वारपेट सब बिछेगा, और उसके बाद आगे खाली लाइट पूरा लाइट लगेगा, हर चीज अभी व्यवस्था आगे का भी और बाकी है, फेसियल का आगे का भी कुछ काम बाकी है हम लोग का। अच्छा होगा, अच्छा ही होगा इस साल, यानी आज रात को कारीगर कुछ बढ़ा के आज बहुत काम खिंचवाई, पूरा काम रात भर काम होगा आज। अच्छा, और उम्मीद करते हैं कल अगर लाइसेंस मिल जाना चाहिए, कल लाइसेंस मिलेगा तो चलेगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जितना भी कारीगर काम कर रहे हैं अपना अपना मान के चलिए नाश्ता लेके आए हुए हैं, मार्केट से खरीद के लाए ना? जी, थिएटर का मालिक पैसा दिया है अपना पॉकेट से, कंपनी लगाया पंडाल वाले दिया है ना, तो पूरा अपना लिट्टी खा रहे हैं लोग ना, और बिहार का लिट्टी फेमस होता है तो लिट्टी का मजा लेते हैं। क्या उम्मीद है रात भर में पंडाल तैयार हो गया? तैयार हो गया, कुछ कुछ लाइट का काम बाकी है। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ पे आए हुए हैं, अभी हम आए हुए हैं सोनपुर, और सोनपुर में आज जिस चीज का हम ब्लॉग बनाने वाले हैं, भारत विख्यात न्यू इंडिया थिएटर का ब्लॉग बनाने वाले हैं। पीछे देख लीजिए पंडाल को पूरा अच्छा से तैयार कर दिया गया है, चलिए क्या क्या पूरा व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों भारत विख्यात लाठी वाठी पूरा लगा दिया गया है, तो इधर जो एरिया हो गया दोस्तों, ये एरिया हो गया सुपर स्पेशल, और यहाँ पे देख लीजिए पूरा टेंट का काम जोरों शोरों से चल रहा है। थोड़ा सा और अंदर की ओर हम बढ़ते हैं तब आएगा दोस्तों VIP। थोड़ा सा जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आ गया VIP। ये जो सेक्शन है दोस्तों VIP का सेक्शन है, और यहाँ पे भी काम जो है जोड़ों शोरों से बहुत सारा चीज कंप्लीट हो चुका है, और उसके आगे है VVIP। टिकट प्राइस तो अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, जब लाइसेंस मिलेगा तो आप लोगों को टिकट प्राइस हम फिर आके एक बार और अपडेट दिखा देंगे। नीचे जो है अभी भी मिट्टी को बराबर किया जा रहा है, पूरा ये पूरा बराबर कर देने के बाद ये पूरा एरिया पूरा ये चेयर से भर जाता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं थिएटर का ऑनर, भारत विख्यात न्यू इंडिया थिएटर का ऑनर है। सबसे पहले हर साल तो आप पूरा धूम मचाते हैं, इस साल क्या कुछ धूम मचाने वाले हैं? धूम ही धूम है इस साल तो, और बड़ा धूम। बात किया जाए, उस समय आपका इंटरव्यू लिए थे 3 रोज पहले, तो आप बता रहे थे माही मनीषा उतना कन्फर्म नहीं, लेकिन अभी हम टिकट काउंटर पे पढ़े हैं माही मनीषा लिखा गया है, तो क्या इस बार माही मनीषा सच में आ रही है? कन्फर्म है। कन्फर्म है, यानी माही मनीषा पूरा धूम मचाने वाली है अपना नया अंदाज में। माही मनीषा और भी कलाकार है बाहर का, वो भी पूरा धूम मचाने वाली है। धूम तो ऐसा मचेगा कि पूरा मेला देखेगा। बात किया जाए, अभी इधर कोई लाइटिंग नहीं लगा है, आज रात भर में लग जाएगा कि नहीं? पूरा रात को पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। रात को पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, अभी इधर दिखाइए, लगभग पंडाल का तो पूरा काम चालू, पूरा कंप्लीट लगभग हो चुका है, ऊपर का लाइट वेट, अब खाली नीचे कुछ बिछाना होगा तो मैट बिछाएगा, कारपेट वारपेट सब बिछेगा, और उसके बाद आगे खाली लाइट आगे पूरा लाइट लगेगा, हर चीज अभी व्यवस्था आगे का भी और बाकी है, फेसियल का आगे का भी कुछ काम बाकी है हम लोग का। अच्छा होगा, अच्छा ही होगा इस साल, यानी आज रात को कारीगर कुछ बढ़ा के आज बहुत काम खिंचवाई, पूरा काम रात भर काम होगा आज। अच्छा, और उम्मीद करते हैं कल अगर लाइसेंस मिल जाना चाहिए, कल लाइसेंस मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि आप लोग का एक दिन बहुत कीमती होता है, क्योंकि इधर एक दिन पहले स्टार्ट होगा तब उधर मान के चलिए एक दिन घट जाता है, अगर इधर एक दिन पहले चालू नहीं होगा तो पूरा धमाल मचेगा कल। अच्छा, कल पूरा धमाल मचेगा, बता रहे थे कल ही पूजा होने वाला है, कल पूजा होगा, तो दोस्तों हम पूजा भी आके दिखाएंगे कैसे पूजा करते हैं, बहुत धूमधाम से पूजा होता है, पूरा लाइटिंग चेक होता है, पूरा डीजे वजे चेक होता है उस दिन पूजा, सब चीज चेक होगा। अच्छा। एक आदमी रहेगा यहाँ पे, हर स्टाफ आर्टिस्ट लोग का बात किया जाए तो आज रात तक आ जाएंगी,
लगभग पूरा सुबह तक आ जाएगी। सुबह तक अभी पूरा ट्रेन में होंगे लोग? हाँ, जो दूर दूर से आ रही है फ्लाइट में होंगी या जो पास से आ रही है ट्रेन में? हाँ हाँ, कल पूरा कलाकार भर जाएगा। अच्छा, तो सब कोई को मतलब कॉल चल जाता है कि मतलब क्या करना होता है तो आती है लोग? वो सब सेटअप है, वो आ जाना है सबको। कल सब कलाकार आ जाएगा। काफी अच्छा लगा दोस्तों सर से मिलके, और आप भी लोग आइए थिएटर का एंजॉय कीजिए। और एक चीज हम बोल दें, बहुत ही मतलब मेहनत लगता है थिएटर को बनाने में, प्लस हर चीज खर्चा देखते हुए, लाइट हो गया, डीजे हो गया, बहुत सारा खर्च होता है, आर्टिस्ट लोग का पैसा हो गया। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, आप लोग आइएगा थिएटर देखने तो टिकट काउंटर पे ज़्यादा गैदरिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा खिचकच मत कीजिएगा, क्योंकि रेट पूरा जेन्युइन आप लोग रखते हैं, कोई भी मतलब अच्छा से कटा कर आप लोग इन्जॉय कर सकते। जेन्युइन रहता है एकदम। तो हम वीडियो में यही बोलना चाहते हैं, आप लोग आइए टिकट कटाइए, शांतिपूर्वक थिएटर देखिए, रेट भी जेन्युइन रहता है। समझिए जो आप लोग रेट देते हैं उस रेट में जो आप लोग मतलब यहाँ से इन्जॉय लेके जाते हैं जीवन भर याद रहेगा। एकदम इन्जॉय तो इतना मिलेगा कि दिल बागो बाग हो जाएगा। और समझ जाइए यादगार बहुत दिन तक रहता है ये चीज़। यादगार हर साल नया नया आइटम आता है, नया नया प्रोग्राम होता है, इस साल और भी धमाल मचाएगा। अच्छा। हर साल के भांति। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जितना भी कारीगर काम कर रहे हैं अपना अपना मान के चलिए नाश्ता लेके आए हुए हैं, मार्केट से खरीद के लाए ना? जी जी। थिएटर का मालिक पैसा दिया है अपना पॉकेट से? कंपनी लगाया है, पंडाल मालिक दिया है ना, तो पूरा अपना लिट्टी खा रहे हैं लोग ना। और बिहार का लिट्टी फेमस होता है तो लिट्टी का मजा ले। क्या उम्मीद है रात भर में? पंडाल तैयार हो गया? तैयार हो गया, तैयार हो गया। कुछ कुछ लाइट का काम बाकी? तैयार हो गया, तैयार हो गया। तो बहुत मेहनत आप लोग की है नहीं? तो थिएटर देखना है कि नहीं? थिएटर कैसे नहीं देखेंगे? इसमें से कोई देखिएगा कि नहीं? सब कोई नहीं देखेगा। अच्छा, आप ही लोग बनाए, आप ही नहीं देखे? नहीं। देखने का मन करता है कि नहीं? अरे मन करने से होगा, आपको घर जाना है। चलो फिर भी करता है कि नहीं देखने? देखने का मन करता है, ऐसा क्या करें, लेकिन टाइम नहीं। यहाँ सब कोई देख लीजिए अपना अपना खा रहे हैं। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भेजी जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम उस जगह का ब्लॉग बना देंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आप, समझते रहे, स्वस्थ रहे। एक चीज़ का नाम भूल ही गया, मंच यही है, देख लीजिए दोस्तों, इसी मंच पे ना जाने कितना आर्टिस्ट लोग वायरल हो चुके हैं। एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पे जितना भी ये सारा चीज़ देख रहा है पूरा लाइटिंग लग जाएगा, और डीजे एक पूरा डीजे का सेट एक इस कोना रहता है और एक उस कोना रहता है, जो बजता है तो समझिए पूरा समझिए छाती धड़क जाता है, इतना तेज बजाते हैं लोग। और डीजे कुछ आगे भी रहेगा, और ये पूरा जो मंच दिख रहा है इस पर पूरा आर्टिस्ट लोग पूरा भरा हुआ रहती है, आगे तो भरा हुआ रहती है, उसके पीछे भी पूरा चौकी लगा दिया जाता है, उस पर भी पूरा आर्टिस्ट लोग खड़ा होकर डांस करते हैं। और टिकट प्राइस तो अभी हम बताए नहीं, इसलिए क्योंकि जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक टिकट प्राइस हम नहीं बता सकते हैं। बात किया जाए तो जोरों शोरों से पूरा थिएटर बन के रेडी हो चुका है, और खाली लाइटिंग वाइटिंग का काम बाकी है, डीजे को खाली सही करना है, पूरा डीजे आ चुका है। फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।